निकलने से पहले मन में डर नहीं लग रहा था कि इतना दूर जा रहा हूँ, तो कुछ डर लगा आपको निकलने से पहले अयोध्या में? कुछ भी डर नहीं लगा, पहले सोच रहा था कुछ रास्ते में कुछ हो जाए, तो जब राम के नाम लेके निकल गए कुछ भी डर नहीं लगा। देखिए मेहनत तो कुछ नहीं लगी क्योंकि प्रभु राम पीछे से धकेल रहे थे कि चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, इसलिए 5 दिन में सफ़र हो गया। और पूरा क्रेडिट देखो सरकार को देना चाहूँगा, योगी जी को, क्योंकि उनकी बदौलत मुझे एक गड्ढा महसूस नहीं हुआ और बेखौफ रात को आया हूँ मैं। बिहार में तो बहुत सपोर्ट मिला हम लोगों को। हाँ, बिहार में क्या सपोर्ट मिला? बिहार में मतलब पकड़ लीजिए, दो भैया हम लोगों को अपना घर ही लेके गए, हम लोगों को उधर ही अपना घर में खाना खिलाया, बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया, उसके बाद आरती किया, उसके बाद हम लोगों को विदाई कर दिया इधर। अयोध्या आज से पहले ऐसी अयोध्या नहीं देखी थी, सिर्फ टीवी चैनल के माध्यम देखते थे, वो जो अयोध्या थी वो थी, अब ये जो अयोध्या है ये है, सोच नहीं सकता। वर्षों वर्षों तक रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, और आने वाले समय में ही ऐसी अयोध्या है कि ऐसी अयोध्या नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं होगा जैसी अयोध्या है। घर वालों का क्या सपोर्ट रहा है? फुल सपोर्ट है। घर वाले क्या बोले? चले जाओ, कोई टेंशन नहीं है, राम जी है, सब देख लेगा। भगवान श्री राम और अयोध्या से इतना प्यार कि 1000 किलोमीटर दूर असम से चलकर साइकिल चलाकर अयोध्या में आ चुके हैं ये भाई साहब, नजर आ रहे होंगे, और इनके साथ में एक भाई साहब साइकिल से नजर आ रहे होंगे जो कि यूपी से आए हैं। तो सबसे पहले जो असम से आए हैं साइकिल चला के, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि भाई आप साइकिल चलाकर अयोध्या किस लिए आए? क्योंकि साइकिल मेरा पैशन है एक्चुअली, मैं लोकल में राइड करते रहता हूँ, तो फिर एक्चुअली हम लोगों का राइड हुआ था ऑल असम, तो फिर न्यूज़ में आ रहा था राम मंदिर ओपनिंग, तो फिर सोचा क्यों ना हम लोग राम मंदिर चल जाए, इसलिए चले आए। तो कितने दिन पहले से आप निकले हुए असम से अयोध्या आने के लिए साइकिल से? 14 दिन हो गए। अच्छा, 14 दिन हो गया, यानी कि असम से साइकिल चला कर आए और लगभग 14 दिन के बाद यहाँ पर अयोध्या में पहुँचे हैं। तो इतने दिन बाद आप पहुँचे हैं, कैसा लगा माहौल, क्या लगा कि असम से चलना आपका सक्सेसफुल रहा, सफल रहा? जी जी जी, है ना? मतलब ऐसा लगा, हम लोग जब असम से 1400 किलोमीटर आए, जब इस धरती पर पड़ा दिया तो सब मुश्किल जो टेंशन था सब गुम हो गए। अच्छा, यानी कि जो थकान जो टेंशन सब दूर हो गया रामनगरी में आके। जी जी जी, है ना? हाँ। अच्छा, असम में क्या माहौल है राम मंदिर को लेके, वहाँ के लोग क्या बोल रहे हैं? वो तो शायद 22 तारीख को ही देख सकते हैं कैसा माहौल होगा, बहुत नाम नाम होते रहते हैं। नहीं, आप वहाँ के रहने वाले हैं तो कुछ तो बताइए ना लोग। हाँ, वो तो है ही, राम नाम तो है, क्योंकि हम तो आ गए पहले ही। हाँ। इधर आ गए 14 दिन, मैं तो 2 तारीख से निकल रहा हूँ, इसलिए तो अब माहौल पता नहीं कैसा चल रहा है अभी। हाँ। हम तो इधर, आप वहाँ पे थे तो असम में भी राम राम का माहौल हो? जी जी जी, हो चुका है। हाँ, पूरा। चलिए, ये जो यूपी से भाई साहब आए हैं, क्या नाम है आप? मैं असल में ट्रेवल ब्लॉगर हूँ, और साइकिल से नहीं, पहले पैदल यात्रा करता रहता था, और मेरा एक छोटा सा चैनल है वर्ल्ड घुमक्कड़ करके, तो घूमने का शौकीन हूँ, लेकिन मेरी पहली साइकिल यात्रा है प्रभु श्री राम के लिए, हरिद्वार हर की पौड़ी से अयोध्या राम की पौड़ी तक। अच्छा, देखिए इनकी पहली यात्रा साइकिल से है भगवान श्री राम के लिए, क्या कुछ दिक्कतें आई रास्ते में? कुछ भी दिक्कत नहीं है, फुल सपोर्ट मिला। जी। अच्छा, असम से निकलने से पहले मन में डर नहीं लग रहा था कि इतना दूर जा रहा हूँ, तो कुछ डर लगा आपको निकलने से पहले अयोध्या में? कुछ भी डर नहीं लगा, पहले सोच रहा था कुछ रास्ते में कुछ हो जाए, तो जब राम के नाम लेके निकल गए कुछ भी डर नहीं लगा। यानी कि आप पूरे राम, पूरे रास्ते राम जी का ही नाम लेके आए? जी जी, हाँ, राम। जैसे हम लोग आसाम से आ गया बंगाल, उसके बाद बिहार घुस गया, बिहार में तो बहुत सपोर्ट मिला हम लोगों को। हाँ, बिहार में क्या सपोर्ट मिला? बिहार में मतलब पकड़ लीजिए, दो भैया हम लोगों को अपना घर ही लेके गए, हम लोगों को उधर ही अपना घर में खाना खिलाया, बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया, उसके बाद आरती किया, उसके बाद हम लोगों को विदाई कर दिया इधर। अच्छा, थे जी। देखिए असम से भाई साहब आ रहे थे और जब बिहार पहुंचे तो इनकी आरती भी की गई। जी, आपने जी, कहा होगा कि मैं अयोध्या जा रहा हूँ। जी 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 जी, लोगों का प्यार अपने आप बरस पड़ा होगा। जी जी, मतलब जब बिगिनिंग हम लोगों का जो ठाकुरगंज से हुआ, लास्ट तक पूरा मजा आया बिहार में। बिहार वालों ने इतना प्यार दिया है, उनको कुछ कहिएगा? जी, कहूँगा बिहार के वालों, धन्यवाद, बहुत सारा। जी, अच्छा, ऐसी उम्मीद थी कि आप अयोध्या पहुंचने के लिए निकलेंगे और ये सारी चीजें होंगी? नहीं 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 छोटे, ऑटोमेटिक सब ऑटोमेटिक हो गया। जी 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 जी, इसीलिए तो लोग कहते हैं जो राम के हैं वो ही सभी काम के है। सी, है ना? जी, भगवान श्री राम जी का मंदिर बनके तैयार हो रहा है, कितने खुश लग रहे हैं आप? कितने खुश? बहुत खुश, बता नहीं सकता कैसा खुश हूँ। जी, आप कितने खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और दो बातें कहना चाहूँगा आपके चैनल। जी बिल्कुल। एक तो जैसे गंगा हमारी साफ है फिलहाल हरिद्वार में, लेकिन यमुना का हाल बहुत बुरा है और गंदा भी हम ही लोग कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी आएंगे या राहुल गांधी आएंगे,
साफ करने के लिए। गंदा भी हम ही कर रहे हैं, साफ भी हमें ही करना, नहीं तो आने वाले समय में हमें कोई भी नदी साफ नहीं दिखने वाली है बिल्कुल। फिलहाल हम अयोध्या की बात कर लेते हैं, अयोध्या कैसा लग रहा है? अयोध्या आज से पहले ऐसी अयोध्या नहीं देखी थी, सिर्फ टीवी चैनल के माध्यम देखते थे। वो जो अयोध्या थी वो थी, अब ये जो अयोध्या है ये है, सोच नहीं सकता। वर्षों तक रहेगी बिल्कुल बिल्कुल। और आने वाले समय में ये ऐसी अयोध्या है कि ऐसी अयोध्या नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं होगा जैसी अयोध्या है। देखिए कहीं ना कहीं अयोध्या जब भी लोग नाम लेते तो गांव में जोड़ा जाता था कि अयोध्या गांव, लेकिन अभी अयोध्या का जो माहौल है, अयोध्या को जिस तरीके से बनाया जा रहा है, सजाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा कि अयोध्या चलते हैं, राम मंदिर देखने चलते हैं। जी जी जी, है ना। और यही चाहत लेके अभी आसाम से निकल आए। यस। घर वालों का क्या सपोर्ट रहा है? फुल सपोर्ट है। घर वाले क्या बोले? चले जाओ, कोई टेंशन नहीं है, राम जी है, सब देख लेगा। राम जी सब देख ले। जी 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 जी। राम जी पे आप आंख बंद करके भरोसा करके इतनी दूर से निकल आए, लेकिन कुछ लोग तो राम को नहीं मानते हैं। जो नहीं मानते उन्हें नहीं करना है तो छोड़ दो। नहीं, जो नहीं मानते उनको क्या बोलिएगा? उनके लिए कुछ नहीं बोलना, क्योंकि वो राम के नहीं तो वो किसी काम के नहीं। जी हाँ। देखिए एनर्जी भरपूर है दोनों लोग में, और कितनी मेहनत लगी आने में ये बताइए। देखिए मेहनत तो कुछ नहीं लगी, क्योंकि प्रभु राम पीछे से धकेल रहे थे कि चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, इसलिए 5 दिन में सफर हो गया। और पूरा क्रेडिट देखो सरकार को देना चाहूंगा, योगी जी को, क्योंकि उनकी बदौलत मुझे गड्ढा महसूस नहीं हुआ और बेखौफ रात को आया हूँ मैं। बिल्कुल बेखौफ रात को आया हूँ। अयोध्या की सड़कें भी बेमिसाल हो रही है। बिल्कुल, कोई आंख बंद करके चला सकता है साइकिल भी, एक गड्ढा महसूस नहीं हुआ मेरे को, इसलिए मैं इतनी जल्दी आ गया हूँ। और देखिए सबसे अच्छी बात है कि भगवान राम का नाम लेके सही सलामत अयोध्या में ये लोग पहुँच आए हैं। अब लगातार इन लोग से लोग यही पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो लोगों की चिंता है इसको किस तरीके से आप बताएंगे कि आखिर आपको कैसा लग रहा है? उत्तर प्रदेश के लोग कैसे हैं? उत्तर प्रदेश का लोग तो बहुत, क्योंकि राम जी के शहर है तो अच्छा ही होगा, बुरा तो नहीं होगा। हाँ। जी तो चलिए एक बार नारा लगा दीजिए आप लोग उसी एनर्जी के साथ, है ना, जोर से बोलेंगे भाई सभी, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भैया थके नहीं है, इतना तेज बोल रहे जी जी जी, नहीं थके, नहीं जी जी जी, फुल एनर्जी। देखिए फुल एनर्जी में ये लोग आए हैं साइकिल से, कोई आसाम से आया है, कोई यूपी से आया है, तो इतनी भक्ति शायद हमने नहीं पहले देखी होगी। और ये भक्ति देखकर, ये जुनून देखकर क्या बोलेंगे कमेंट में जाके जरूर बताइएगा। जय श्री राम।